स्थितियों में नदी द्वारा निर्मित हो सकता है तो गोखुर झील लेगुन झील ये तमाम झील के बारे में जानकारी आपको हम दे चुके थे। नदी घाटी परियोजना करके भी आपको वीडियो मिल गया है नदी घाटी परियोजना वाला भी बेसिक वीडियो है बहुत बीपीएससी और दरोगा में बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है। वो सभी आपका रेलवे वगैरह में ज्यादा आता है फिर भी आपको दे दिया गया है कि एक नजर उसको कम से कम सुन लीजिए अब आप लोग को इससे आगे का स्टेप में लेके चले अभी वर्तमान में झील से जो पिछला वीडियो जो आप देखे वो ट्रेडिशनल है उसमें सभी पढ़ना है उसमें बेसिक हमने सभी झील दे दिया आपको पढ़ाए लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील है फिर हम लोग चलामू झील सोंगमा झील सभी झील के बारे में कोलेरी झील पुलिकट झील ये सब बिमनाथ झील सब पूरा का पूरा आप सुन चुके होंगे आज के क्लास में मुख्य रूप से हम लोग को करंट अफेयर में जो झील अभी चल रहा है दो देशों के बीच खास मुद्दा है भारत और चीन। ये लद्दाख की घाटी में हम लोग इस झील के बारे में अभी डिटेल आज का क्लास थोड़ा सा करेंगे और तब मिट, मिट्टी मृदा का हम लोग मेन क्रियाकलाप इसमें हम लोग शुरू करेंगे देखिए अभी हमने जो यहां पे पिक्चर लाया है आपको इस पिक्चर के माध्यम से थोड़ा सा बेस सही करें समझने पर सब लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा और छोटा कर ले ध्यान दीजिए सब कोई इसमें हम लोग देखें ये पूरा जो देख पा रहे हैं ये चाइना बॉर्डर है और ये चाइना बॉर्डर जो आप देख रहे हैं इसमें मुख्य रूप से ये पूरा भारत का हिस्सा ये जम्मू कश्मीर है जो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख इंडिया का है शुरुआत में चीन भी इसी को मानता था अगर शुरुआत का मैप आपको हम थोड़ा सा दिखाए तो आपको ये पता चलेगा कि शुरुआत में चीन की स्थिति चीन की पूरी कहानी जब सुनोगे तो उस समय आपको ध्यान आएगा अठारह में चीन ये जम्मू कश्मीर इस लाइन के इधर स्वीकार करता था कि ये हमारा इधर चीन है और इधर इंडिया है ये की बात। फिर में मैकडोनल रेखा बना और चीन धीरे धीरे 18 ये की बात है, में एक रेखा बना मैकडोनल रेखा और मैकडोनल रेखा में चीन यहां तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार किया यानी हम लोग देख रहे हैं कि इस क्षेत्र से छिया छिहत्तर से निन्यानवे में चीन यहां तक पहुंच गया लेकिन चीन का कहना था कि ये जो लाइन देख रहे हो ये लाइन मेरा मेन लाइन है जहां हम यहां तक कब्जा करेंगे तो मेरा एरिया पूरा हो जाएगा ऐसा चीन मानता था और आज़ादी समय भी ये विवाद का मुख्य रूप से विषय रहा शुरुआत में तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू इधर हुए प्रधानमंत्री उस साइड में मेन रूप से चल रहे थे जिनका उस समय नाम था चाऊ एंड लाई ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं चाऊ एंड लाई और इधर से प्रधानमंत्री हमारे थे जवाहरलाल नेहरू हम लोग धीरे धीरे ये मुद्दा पर जो विवाद का मुद्दा था ये चीज चीन कह रहा था कि मेरा यहां तक है और हम लोग कह रहे थे कि इसको यहां तक हम लोग ये मैकडोनाल्ड लाइन है हम यहीं पर इसको रखेंगे और इन कैंप में हम लोग अपने सेना को पूरा तैनात कर रखे थे अब इधर हमारा पूरा सेना अपना तैनात है अब यहां हमारे छोटे छोटे कई कही कैंप हुआ करते थे ये सब बहुत ऊंचा क्षेत्र है क्योंकि आपको याद होगा काराकोरम लद्दाख जोस्कर ये पर्वतीय क्षेत्र है तो सेना कैंप में कम कम ही सेना रहते थे और कम ध्यान भी हम लोग इधर देते थे कारण था जवाहरलाल नेहरू और चाऊ एन लाय के बीच 1955 में हम लोग एक समझौता किए पंसील समझौता और पंसील समझौता के द्वारा हम लोग पांच बातों को स्वीकार की कि हम लोग शांति से रहेंगे लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करेंगे और एक नया नारा दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई अब देखो हिंदी मतलब हिंदुस्तान और चीन भाई भाई हैं और इतना आश्वस्त जवाहरलाल नेहरू हो गए कि हम लोग कभी सोचे भी नहीं कि इस हिस्से में भारत और चीन में कभी लड़ाई हो सकती क्योंकि पंसिल समझौता से चाउगन लाई से इन्होंने एकदम अपनी निश्चिंत प्राप्त कर ली लेकिन अब चुके उनका क्लेम यहां तक था कब्जा यहां तक था तो इसकी सेना बीच बीच में यहां तक आते रहती थी और उसी में जब सेना यहां आया तो जनरली गोली छोड़ने पर उसका हिसाब किताब और बहुत सारा सिस्टम लेकिन इन लोग दूसरा उपाय निकालते थे जब चीन की सेना आ गई तो भारतीय सेना कुश्ती लड़ लिए फटाफटी ढकेला ढकेली इधर उधर किए और फिर हाथापाई करते हुए इसको धक्का दे करके उधर पार कर दी तो इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय उल्लंघन नहीं है चले हां गोली मार देंगे घायल कर देंगे और उसमें कोई तरह का क्लेम है तो गंभीर मामला होता है और यही जो झड़प हुआ इधर कुछ सेना आए इन लोग धक्का देते हुए इधर पार किए कि अपना बॉर्डर पर रहो ये हमारा है यही झड़प मुख्य रूप से और बढ़ गया और उसी बीच एक बहुत गंभीर मुद्दा हो गया ये चीन के ही क्षेत्र में यहां पे नीचे एक स्वतंत्र क्षेत्र था तिब्बत और तिब्बत में जो हेड होते थे उसको दलाई कहते थे दलाई लामा ये उनके प्रसिद्ध हेड थे तिब्बत का तिब्बत चीन के अधीन अभी नहीं था लेकिन साठ के दशक में चीन कब्जा करके तिब्बत को भी अपने ही क्षेत्र में मिला ली और इसके हेड जो दलाई थे वो दलाई लामा को लगा कि चीन रहेंगे तो चीन में साम्यवादी शासन आज भी चीन में सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता रोड पर नहीं उतर सकते अगर रोड पर उतर के जिंदाबाद मुर्दाबाद करोगे तो आजीवन कारावास हो सकता है मृत्युदंड हो सकते हैं चीन में बहुत कठोर कानून है इंडिया जैसी बात नहीं है कि किसी तरह से हम लोग चला लें, और इसी कारण से हम लोग देखे दलाई लामा इस डर से भारत है। अब चीन भारत को कहा कि तुम इसको समर्थन मत दो अपने यहां मत रखो क्योंकि हमारे डर से ही भागा है इसको पकड़ के मेरे यहां सौंप दो लेकिन भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ समर्थन दिया सहयोग दिया रहने के लिए दिया और ये चीज से चीन को बहुत गुस्सा आया कि हमारा जो तिब्बत क्षेत्र है इसका दलाई लामा हमारे अगेंस्ट गया और इसको भारत सपोर्ट दे दिया ये तो बहुत हमारे लिए तोहनी की बात है और इसी कारण से चीन दलाई लामा के कारण तिब्बत के कारण उन्नीस में भारत पर हमला कर दिया और यही हाथापाई का दौर बहुत बड़ा रूप ले लिया हमारे सेना के जो कैंप थे उसको चीनी सेना चारों तरफ से घेर लिए हमारे जवाहरलाल नेहरू को ये अंदाजा नहीं था कि चीन ऐसा कर पाएगा और इसीलिए उनके सपोर्टिंग जो सेना जाना चाहिए वो वहाँ उतना जल्दी नहीं पहुँच पाया ये जवान काफी वीरता और बहादुरी से लड़ते हुए बहुत सारे जवान यहाँ शहीद हो गए हमारा पूरा कैंप यहाँ तहस नहस हो गया और ये जो क्लेम कर रहे थे जो क्षेत्र पर जो अभी आपको हमने दिखाया इनका क्लेम का जो हिस्सा था ये क्लेम कर रहे थे कि यहां तक मेरा है लेकिन जब देखे बासठ में कि हम जीतते ही जा रहे हैं तो ये इस क्षेत्र तक अपना कब्जा कर लिए और इस क्षेत्र जब कब्जा कर लिए तो जवाहरलाल नेहरू वो चाहते तो फिर इधर से लड़कर के एक भयंकर लड़ाई होती लेकिन समय बासठ में भारत की स्थिति भी कुछ कमजोर रही और हम लोग इसी लाइन को मान लिए कि चलो अब इससे आगे मत बढ़ना इससे आगे मत बढ़ना ये हम लोग मान लिए कि ये चलो दोनों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाएगा और इसी को हम लोग एल ए सी कहते हैं अगर हम एल ओ सी कहेंगे तो समझना कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल है ये भारत और पाकिस्तान के बीच है लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है तो ये भारत और चीन के बीच है दोनों में देखो बेसिक अंतर है एलओसी और एल में अंतर है एलओसी कहेंगे तो लाइन ऑफ कंट्रोल है और आपको ध्यान रखना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की जब बात होगी तो लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात होगी तो यह भारत और चीन के बीच और यही बासठ के बाद ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां पे बना लिया और यहीं पर एक बहुत बड़ा झील है ये देखो इतना बड़ा झील ये देख सकते हो यहां से शुरू होकर के ये पूरे हिस्से तक जाते हैं और इस झील को थोड़ा और बड़ा करें तो आप समझ पाओगे और ये झील देख अब तो अच्छा से दिखाई दे रहा होगा इतना बड़ा यह झील का हिस्सा है और इसी झील में झील की कुल लंबाई यहां से यहां तक 135 किलोमीटर है अब 135 किलोमीटर के झील में पहले पूरे भारत के ही कब्जा में था लेकिन बासठ की लड़ाई में भारत के पास सिर्फ 45 किलोमीटर झील बच गया और 90 किलोमीटर झील चीन के कब्जा में और ये देखो लड़ाई का अब कारण समझ में आएगा यही चीज हम लोग देखेंगे ये जो देख रहे हो ये कारण क्या है अब झील लंबे चौड़े तो उसमें दीवाल नहीं खींच सकते किसकी बॉर्डर कहां तक है ये चीज हम लोग निश्चित नहीं कर सकते और इसी कारण से हम लोग देखेंगे क्षेत्र में जो विवाद है वो अभी हम लोग आपको हल करेंगे दूसरी बात हम लोग देखें यहां पर एक रिवर है और इस रिवर का नाम हम लोग देखेंगे गलावान घाटी के नाम से ये जाना जाता है और ये गलावान घाटी हम लोग यहां पर देखेंगे ये फिगर में आपको अभी हम और अच्छा से दिखा पाए देखो अब इसमें ये झील का नाम है प्योंगयांग तसो प्योंगयांग तसो ये झील का नाम है और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भारत और चीन के बीच विवाद का कारण निम्नलिखित में कौन सा झील है देखिए आपको एक ढंग का क्वेश्चन आएगा तुम प्रेशियस लेवल का तैयारी कर रहे हो तो उसमें अब मान के पुलीकट और तो, छोटा-छोटा लोकटक रटोगे तो, तो काम नहीं चलेगा वो सब छोटकण के लिए आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वर्तमान परिदृश्य में जो मुख्य रूप से चल रहा उस पर आपकी एक पैनी दृष्टिकोण विकसित होनी चाहिए उससे मुख्य रूप से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इसीलिए इस झील में हमने आपको कुछ लंबा किया कि मैप से बढ़िया से इसको आपको दिखाएं बढ़िया से समझाएं ताकि वर्तमान मुद्दा को आप भी अच्छा से समझ पाए तो अब आपको और अच्छा से समझाएं तो देखिए पूरा क्लियर होगा इस झील का नाम है पूंग यांग तशो झील और पोंगयांग तसो झील आपको हमने बताया 45 किलोमीटर ये भारत के पास है यहां तक और बाकी 90 किलोमीटर ये जो पोंगयांग तसो झील देख रहे हो ये अभी चीन के पास है चीन के अधिकार में ये अब यहां पे लड़ाई क्यों होती है दो कारण अभी हम समझाएंगे उसके पहले आपको एक और हम लोग देख लें। ये एक रिवर यहां पर देख रहे होंगे ये रिवर का नाम यहां पर देखो गलवान रिवर है और इस घाटी को गलवान घाटी के नाम से जानते हैं। देखो तुम्हें जो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा वो चीज बता दे लद्दाख के हिस्सा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जिसमें चीन का कब्जा है उसको हम तीन भाग में बांटते हैं पूर्वी लद्दाख पश्चिमी लद्दाख और मध्य लद्दाख ये तीन भाग है अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पेंग झील एक लद्दाख के किस भाग में तो ये आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी लद्दाख की बात हो रही है पूर्वी लद्दाख के हिस्से में मुख्य रूप से ये स्थित है बाकी ये जो मध्य प्रांत देख रहे हो यहां पे एक रिवर है इस रिवर का नाम है गलवान रिवर और गलवान रिवर से इधर ये चीन का कब्जा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसी से इधर अक्साई चीन हम लोग इसको कहते हैं अक्साई चीन भी पहले भारत का ही हिस्सा था लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र से हमारे जवाहरलाल नेहरू कम ध्यान दिए धीरे धीरे चीन यहां पे सड़क भी बना दिया और इन क्षेत्रों में आज चीन की स्थिति मजबूत है कारण वे इन हिस्से में अपना पूरा सड़क मार्ग मजबूत किए हुए सड़क मजबूत करने से क्या होगा इसके सेना को आप जैसे ही मारोगे ये वायरलेस पर संदेश देगा एक घंटे के अंदर काफी सेना यहां पहुंच जाएंगे चूंकि रोड मार्ग अच्छा है हमारे यहां क्या है इधर कोई सड़क का डेवलपमेंट नहीं कैंप में सेना है बेचारे भगवान भरोसे इनको घेर भी लेगा वायरलेस सूचना भी देंगे तो नीचे से पैदल चढ़ते चढ़ते पांच घंटे लग जाएंगे तब तक उनका काम सफाया हो जाएगा और इसीलिए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम गलवान घाटी में और इनके नजदीक जो क्षेत्र है यहां सड़क निर्माण करेंगे अगर रोड निर्माण करेंगे अस्थाई कैंप बनाएंगे तो हमारी स्थिति बॉर्डर पर मजबूत होगी और यही चीज अभी वर्तमान समस्या का सबसे बड़ा कारण है इसीलिए आप अखबार में अक्सर गलवान घाटी और तसोए लेक के बारे में अक्सर न्यूज आपको आते रहेगा इसमें थोड़ा और डिटेल करेंगे तो यह बात आप पूरा समझ पाओगे तो एक वर्तमान परिदृश्य भी आप देख पाओगे और इससे दोनों चीज आपका क्लियर हो गया गलावान घाटी भी आप देख लिए ये आप देखिए गलावान घाटी आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखोगे कि लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में ही स्थित है और ये गलावान घाटी में ही यहीं पर मुख्य रूप से सड़क निर्माण की क्रिया हम लोग कर रहे हैं ये भारत और चीन के बीच पाकोपाइड जो इसमें सॉरी ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसी के पास गलावान घाटी है और हम लोग के सड़क निर्माण की क्रिया को देख करके चीन बौखलाया हुआ है, वो परेशान है कि ये अगर मजबूत स्थिति इधर बना लेगा तो कभी भी कुछ कर सकता है अब यहां पे जो वर्तमान परिदृश्य है थोड़ा आपको हम समझाए ये देखो पियंगयांग तसो लेक है और पियंगयांग तसो झील में आपको हम समझाए ये झील में हमने बताया 45 किलोमीटर भारत का और बाकी 90 किलोमीटर चीन का तो बीच में कहीं पर होगा भारत कहीं उधर से बात चीन है तो दोनों अब इसमें कोई लाइन खींचा हुआ नहीं है नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लेकिन कोई लाइन नहीं है इसमें और इसीलिए इसकी सेना इधर और इसकी सेना उधर कभी कभी अपना मोनिटरिंग क्रम में आ जा थोड़ा सा चले जाते हैं अब लाइन खींचा हुआ नहीं है तो चीन की सेना मोनिटरिंग में आई तो थोड़ा सा अंदर घुस गई यहां कोई है नहीं झील में ऐसा नहीं कि बॉर्डर पर चारों तरफ से जहाज लगा के हमारे सिपाही तैनात हैं ये कोई आगे नहीं बढ़े अरे है यहां तक हमारा कैंप बना हुआ है और हम मान के चल रहे हैं कि चलिए है हमारा है अब ये मोनिटरिंग करते करते थोड़ा सा बढ़ गया तो अब बीच बीच में फीता नहीं ना लगाएंगे कि हाँ सुता तानो देखो आ इतना निकल गया वहां पर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है देख नहीं रहा है तो ये जब थोड़ा बहुत निकल गए तो सेना ही है अरे आप जैसा ही है आपको भी यहाँ ड्यूटी दिया जाएगा और मान लो भारतीय सेना यहां तक निकला तो दस आदमी है तो किसी का मूड हो गया चलो ना थोड़ा सा आगे बढ़ो देखो क्या कहता है और थोड़ा सा बढ़ के देखो ना कहां पे रोकता है और बस ये, इधर से थोड़ा उधर गए तो वहां से हल्ला किया अब हल्ला किया तो ये कह रहे हैं कि अभी तक मेरा ही सीमा है जब टपा हुआ मेरा ही सीमा है तो उधर से फिर उसका भी बोट पहुंच गया फैटा फैटी शुरू हुआ फिर दोनों अपना अपना चल दिया बॉर्डर पर एक आम घटना है एक आप समझ रहे कोई लाइनिंग नहीं रहने से ये कंडीशन यहां आते रहते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आपको समझा दे तो आपको क्लियर होगा ये जो तुम देख पा रहे हो पहाड़ की जो स्थिति आप देख रहे हो ये जस्ट लाइक लगता है कि इस झील का फिंगर है उंगली है और पिंग झील में आपको हम स्ट्रक्चर समझा दें अब देखो बहुत अच्छा समझ पाओगे तुम लोग अब वर्तमान परिदृश्य जाओगे पियंगयंग झील की स्थिति कुछ ऐसा है लंबा है और पियंगयंग झील में इस प्रकार के पर्वत पठार एकदम भरे हुए हैं और हम लोग यहां पर देखें इस तरह से पूरा पठार जो पर्वत इस तरह से लगातार भरा हुआ है और इसी को हमने बताया कि यह इसका फिंगर है उंगली है तो बताओ ये उंगली नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ऐसा तीन उंगली का इस तरह का हम लोग अस्ट्रक्चर किए इसको हम लोग पिंगयंग झील का फिंगर टेन कहते हैं देखिए अब कभी भी फिंगर टेन की बात होगी तो आप समझ जाओगे कि वो फिंगर मीन्स उंगली ये पहाड़ जैसा जो स्ट्रक्चर है वो फिंगर है अब इसमें क्या स्थिति है वो सुनिए पहले भारत फिंगर आठ तक अपना क्षेत्र रखा था अब ये सब निर्जन क्षेत्र है जनरली गांव है भी तो पूरे गांव मिला के पांच छह आदमी है खेत के नाम पर पहाड़ है दो तीन याक जानवर ये सब बर्फीला क्षेत्र में चलने वाले पाले हुए हैं और छोड़ के बस वही चरा रहे हैं वही उन लोग का दैनिक जीवन अब यहां पे कंडीशन है कि फिंगर एट तक भारत शुरुआत में तो दस तक था धीरे धीरे जब चीन से लड़ाई हुई तो फिंगर एट तक भारत कहता है कि हमारा है और फिंगर एट के इधर चीन अपना एक अस्थाई पूरा स्ट्रक्चर बना लिया कि चलो भाई ठीक है आठ तक तुम्हारा है तो इधर मेरा कैंप होगा और खूब यहां तक आने के लिए रोड वगैरह सब उसने बना लिया एक कैंप चीन का है अब यहां तक उसके जब कैंप बन गए तो हमारे सेना भी निश्चिंत हो गए कि चलो लगता है मान लिया तो इधर अब कौन इस बर्फ पूरे बर्फीले क्षेत्र में ज्यादा मॉनिटरिंग करेगा तो छोटे मोटे कैंप से यहाँ लोग रहते थे और उसमें कम सेना रहते थे अब जब इन लोग की इच्छा करे तो थोड़ा सा लड़ गया हेडक्वार्टर दिल्ली फोन गया कि सर हम लोग जो आठवां फिंगर पर थे हम लोग को सातवां पर सर ढकेल दिया एक कर दिया तो वहां से भी खबर आई कि छोड़ो एक फिंगर में क्या रखा है थोड़ा घसक जाओ कोई बहुत ज्यादा चीज वहां उत्पादक चीज है नहीं कि बहुत नुकसान हो ऐसा करते करते सातवा छठा पचवा करते करते हम लोग को जब पीछे करने लगा तो हम लोग भी कहे कि तब अस्थाई कैंप बनाना पड़ेगा ऐसे काम नहीं चलेगा और अस्थाई कैंप बनाने के लिए हम लोग फिंगर चार जो देख रहे हो ये फिंगर चार पे भारत का भी अस्थाई कैंप बन गया कि आखिर तुम बोल रहे हो पीछे जाओ हम चले जा रहे हैं पीछे जाओ चले तो कितना चले जाएंगे भाई अब होता ना है कि कोई खेत है और खेत में कुछ नहीं होता है होते रहेगा तो तो लड़ाई हो जाएगा इसमें कुछ नहीं होता है घास भी ठीक से नहीं होता है और उसमें कोई थोड़ा सा हरी काट लिया थोड़ा बढ़ा लिया तो आदमी चलता है जाने दो कौन महंगा खेत है इसमें कौन पूछ रहा है इसको हाँ उपजाऊ रहेगा तो लड़ाई हो जाएगी उसी तरह की बात है यहां हम लोग छोड़ते है, छोड़ते है, लेकिन हम लोग चौथा कैंप पर एकदम टाइट रूप से टिक गए क्याब नहीं इन लोग अठवां पे टिक गए तो चौथा कैंप के पास भारत अपना पूरा सैन्य पट्टी बना लिया तो हम लोग चौथा कैंप तक नियंत्रण रखे हैं फिंगर फोर और हमारा मानना है कि एट फिंगर तक का क्षेत्र मेरा है और चीन का कहना है कि यह पूरा प्योंगयांग वाला हमारा इलाका है और यही वर्तमान मुख्य रूप से सिस्टम हुआ जब यही चीन के सेना कुछ इधर के क्षेत्र में गस्त लगाने लगे फिंगर फाइव और सिक्स पे हम लोग जब यहां जो है गलवान घाटी और तमाम जगह रोड बनाने लगे तो इसी रोड को कह रहा है कि अवैध निर्माण है बंद करो इसको ये पूरा मेरा है यहां भारतीय सेना के जवान इन लोग को धक्का देके कि बंदूक से मारेंगे तो फिर हंगामा होगा। धक्का देके एक तो चीन ऐसे ही चार फीट का होता है दूसरा चीन का ठीक से आंख नहीं खुलता है और भारत को आंख दिखाना शुरू करता है छोटा छोटा आंख बेचारे सबका होता है और लगता है भारत को आंख तो सोचिए स्थिति क्या है अब लोग का जवान यहां से धक्का देके इसको इधर जब पार ढकेल दिया तो ये फिर हाथापाई हो गया बासठ के बाद बड़े स्तर पर और लगने लगा कि लड़ाई का माहौल बनेगा और चीन कहा कि रोड बनने नहीं देंगे ये फिंगर फोर के पास और मजबूत होगा पूरा सेना चीन का यहां पे बॉर्डर लाइन पे कैंप कर लिया अब हम लोग के पास दो ही ऑप्शन थे या तो अब यहां से ही कैंप कर लिया तो रोड बनाना छोड़ दे लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी कह दिए कि जितना सेना है वो जितना लाया है सैटेलाइट से देख लो उतना इधर भी तैयार कर लो क्योंकि भारतीय सेना ऐसे तो एक एक सेना दो दो लपेट लेगा वो तो बासठ में इसीलिए जीत गया कि हम लोग कम थे और घेर लिया अनुमान नहीं किए थे नहीं तो कहा छे फीट का जवान और कहा यहां चार चार फिट का जमान एक लात में ही बेचारा को उड़ाए हथियार में भी हम लोग पहली बार ऐसा हुआ कि सुखोई और तमाम लड़ाकू विमान यहाँ तैनात कर दी और हम लोग कहे कि रोड निर्माण जो चल रहा है चलेगा और बाकी वो कहता है तो हम एक बार समझ लेंगे और इतना जब तना तनी हो गया तब तो जाकर के लगातार बैठक हुआ और उस बैठक में यही सेना फिर जो यहां घुसी थी चीनी सेना पीछे गई अखबार में आप न्यूज पढ़िए पीछे गई का मतलब क्या चीन बीजिंग चला गया पीछे गई का मतलब यही यहां बढ़ा हुआ था जा बीच में चौथा फिंगर के पास था फिर आठवा फिंगर के पास चीन सेना चली गई और बीच का क्षेत्र फिर खाली है और इसीलिए अब इस क्षेत्र में फिर शांति है अभी वर्तमान परिदृश्य में तो अब हम समझते हैं तसो झील गेलवान घाटी और वर्तमान समय में भारत और चीन का जो विवाद है इस चीज को आप बढ़िया से समझ गए होंगे फिंगर टेन और चौथा फिंगर तक कब्जा यह सब चीज आपका क्लियर हो गया होगा तो ये तो वर्तमान परिदृश्य के मॉडर्न फेज को हमने आपको इसमें जोड़ दिया और ये चीज आपका क्लियर कर दिए अब हम लोग का नया टॉपिक अभी शुरू होगा और इस टॉपिक को अभी हम शुरू करेंगे और ये टॉपिक होगा मृदा मिट्टी तो ये करंट फेज इतना ही होगा मिट्टी अब शुरू होंगे आप